एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम का ओएमआर शीट आपको कैसे फिलअप करना है, तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप आपको सारा कुछ फॉर्म फिलअप करके बताया जाएगा। ये स्पेशली बी सर्टिफिकेट वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेथड बताया गया कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये जो आपको दिख रहा है पूरा राउंड जो गोल, इसको ब्लैक से किया गया, मतलब आपको पूरी तरह से उसको गोला कर देना है, इस तरह से आपको आंसर देना है। सबसे पहले आपको फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया है, जैसे मान लो इंडेक्स नंबर आपका है 9 3 4 1 3 2, ये आपका इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर को कैसे फिलअप करेंगे, जैसे 9 है तो फर्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे 9 यहाँ पे है, तो 9 को यहाँ पे पूरी तरह से इसको पूरा इसको भर देंगे, ठीक है। फिर 3 इस कॉलम में देखेंगे, सब बॉक्स के सामने दिया हुआ है जो भी फिलअप करना है, इसमें 3 है तो फिर 3 यहाँ पे इसको पूरा, 4 यहाँ पे, फिर 4 इस कॉलम में करेंगे, 1 यहाँ पे तो इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करना है, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर दे रहा। फिर इसमें 3 है, 3 को यहाँ पे पूरा पेंट कर देंगे, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 को पूरा गोला को घेर देंगे। अब सेंटर कोड आपको जो बताया जाएगा, सेंटर कोड खुद से नहीं फिलअप कर देना, कुछ भी लिख दिया, सेंटर कोड आपको जो भी बताया जाएगा, मान लो 01 अगर बताया तो 0 इसमें फिलअप करेंगे, 1 यहाँ पे तो इसमें फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है और फिर फिलअप करना है, मतलब आपका सारा जो नेम होगा कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में, मतलब बड़ी वाली ABCD में, जैसे मेरा तेजस कुमार लिखना है, इसमें T लिखेंगे, EJAS, अब कुमार लिखना है तो बीच में एक ब्लैंक छोड़ देंगे, गैप कर देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे KUMAR, नीचे में फादर्स नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब फॉर्म कभी भी कैपिटल लेटर्स ब्लॉक लेटर्स में ही फिलअप करना चाहिए। तो अपने पिताजी का नाम है आप अच्छे से ब्लॉक लेटर में फिलअप कर देंगे जो भी होगा आपका, ठीक है, एक ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर इधर में लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ यूनिट यानी बटालियंस का नाम ब्लॉक लेटर में, तो मेरा बटालियन 5 बिहार था तो 5 इसमें एक गैप, 5 बिहार बटालियन NCC आरा, सारा कैपिटल में, ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद रेजिमेंटल नंबर यहाँ पे, तो आपका रेजिमेंटल नंबर जो भी होगा यहाँ पे उसको फिलअप करेंगे, ठीक है, रेजिमेंटल नंबर पूरा अच्छे से लिखिएगा इसमें। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया DD मतलब डेट, MM यानी मंथ, और YY मतलब ईयर, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट, फिर मंथ, फिर यहाँ पे जो भी आपका ईयर है ईयर लिखना है, ठीक है, अच्छे से। इसमें एक को इंस्टीट्यूशन यानी अपने कॉलेज स्कूल का नाम इसमें फिलअप करना है, अपने कॉलेज का नाम जो भी होगा वो फिलअप कर देंगे, ठीक है, जैसे मेरा SD जैन कॉलेज था तो मैं इसमें इस तरह से फिलअप कर दूंगा, जैन कॉलेज आ रहा। अब यहाँ पे सेट आपका जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन वाला, तो आपका कौन सा सेट, पेपर 4 सेट में होता है ताकि आप चीटिंग नहीं कर पाओ, ABCD आपका जो सेट होगा, ए है तो ए को पूरा घेर देंगे, बी होगा तो बी को, सी होगा तो सी को। अब इसमें कैडेट, आप SD हो SW हो, SD हो तो SD पे करेंगे, SW हो तो SW पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद रैंक, आपका NCC में कौन सा रैंक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ज़्यादा इसमें जगह नहीं दिया, ठीक है, स्पेस। अगर आप कैडेट हैं तो सिंपल सा CDT लिख देंगे, ठीक, इस तरह से। अगर आप करेंगे SEO का है तो SEO लिख देंगे, अंडर ऑफिसर है तो EO लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है, शॉर्ट में। जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा तो जो आपके PI स्टाफ वहाँ पे गार्डिंग करते हैं, GCI मैम होते हैं, NO सर होते हैं, तो उनसे पूछ लेना, अपने मन से ये नहीं कि कुछ भी फिलअप कर दे। वीडियो में आपको वैसे पूरी जानकारी दे दे रहा। अब नीचे यहाँ पे आपका आ गया आंसर देने वाला, इसके बाद OMR शीट के लास्ट में भी कुछ फिलअप करना, तो पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, बाकी बंदों को भी अच्छे से जानकारी हो जाए। अब यहाँ पे आपका तो पेपर टू वेपन ट्रेनिंग का पूछेगा रिटर्न में, तो क्वेश्चन वाइज शुरू करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लो सी है तो इसमें इसको पूरा गोल कर देंगे, सेकेंड का डी है तो डी को पूरा करेंगे, ये नहीं कि एक ही में, अगर आपने गलती कर दी, मान लो इसका सेकेंड का आंसर ए करेक्ट है, आपने डी को रंग दिया तो उसको वही छोड़ देना, अब ये नहीं कि फिर से इसमें ए को रंग देंगे, ये पूरा गलत हो जाएगा, कंप्यूटर फिर आपका कॉपी चेक नहीं करेगा। थर्ड का सी है तो सी करेंगे, फोर का ए है तो ए करेंगे, इस तरह से। फिर पेपर थर्ड मिसलेनियस, इसमें फिर जिसका आंसर देना तो उस तरह से अच्छे से फिलअप करना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लास्ट में आइए, आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है, लास्ट में फिर आपको यहाँ पे सेंट्रल सी लिए छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपके गार्डिंग कर रहे हैं वो लोग साइन करेंगे, इसको भी खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आपका साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे कैडेट्स सिग्नेचर, मतलब आपको साइन करना है, यहाँ पे OMR शीट नंबर इसमें फिलअप करना है। तो बी सर्टिफिकेट का OMR शीट पर आपको इतना ही फिलअप करना है,
नेक्स्ट वीडियो में ए सर्टिफिकेट का बता दूंगा और फिर सी सर्टिफिकेट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना, और जहाँ पे डाउट होगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और एग्जाम की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो डेली शाम में 7 बजे इसी चैनल पर तेजस NCCERMI चैनल पर लाइव क्लास होती है। क्लास रेगुलर कीजिएगा और प्ले स्टोर से तेजस NCCERMI ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। MCQ क्विज टेस्ट भी है, थ्योरी MCQ मॉडल पेपर और सारा डाटा अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ऐप डाउनलोड करके अपने दोस्तों को बता देंगे ऐप से पढ़ने के लिए, और इस वीडियो को भी शेयर कर देंगे। शाम में 7 बजे लाइव क्लास में सब लोग आएंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।